और दोस्तों कैसे आप? जी हाँ, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड एक प्रॉमिस करता हूँ आपको, आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। एंड ये जो वीडियो है और ये जो थॉट प्रोसेस है दोस्तों, मेरे दिमाग में पिछले कई महीनों से चल रहा था। एंड मुझे ये वीडियो करना था, लेकिन फाइनली टाइम मिला, मुझे कुछ वक्त मिला, मैंने जो भी पॉइंट्स थे सब लिख के अब मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी अ इंपॉर्टेंट वीडियो। कौन सा आपने खरीदना चाहिए, एक मिड रेंज फोन, एक फ्लैगशिप फोन, और क्यों खरीदना चाहिए? व्हाट शुड बी योर रीजंस टू बाय अ फ्लैगशिप फोन? बहुत सारे लोग फ्लैगशिप खरीदते हैं जब उनको जरूरत नहीं होती है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते रहिए दोस्तों। लेकिन उसके पहले, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो मिड रेंज फोन होता है, मैं जनरली बात कर रहा हूं 15,000 to 20,000 रेंज की। जी हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5 to 10 या फिर 10, 10, 11, 12 हजार के फोन्स। मैं बात कर रहा हूं 20,000 तक के फोन्स की। जनरली जो अभी आपको 7 सीरीज के Qualcomm Snapdragon 7 सीरीज का आपको उसमें प्रोसेसर मिलता है, इस रेंज के 720, 730 वगैरह। एंड जब मैं फ्लैगशिप की बात कर रहा हूं तो दीज आर ऑल फ्लैगशिप लेवल फोन्स, वेयर 8 सीरीज के उसमें प्रोसेसर आते हैं, बाकी सब टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन आते हैं। लेकिन दोस्तों जब मैं कहता हूं कि टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन है, फ्लैगशिप का फोन है, ये 40, 50, 60 हजार का है, क्या आपने वो खरीदना चाहिए? जी हाँ, नहीं, आपने नहीं खरीदना चाहिए फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स 90% ऑफ द टाइम्स। जी हाँ, 10% ऑफ द टाइम्स यस, और मैं बताऊंगा आपको क्यों। दोस्तों सबसे पहले मैं प्राइस के बारे में बात करता हूँ। जो मिड रेंज के फोन्स होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 20,000 और जो फ्लैगशिप के जनरली होते हैं 2,040, 50, 40 पकड़िए, मतलब डबल प्राइस होती है, 20,000 रुपये आप एक्स्ट्रा देते हो। और ये जो 20,000 रुपये आप एक्स्ट्रा देते हो, आपको क्या मिलता है? सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। आजकल आप अगर 20,000 का फोन देखोगे, उसमें भी एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, उसमें भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी मिलती है। इसका मतलब जो बेसिक स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी बहुत अच्छा होता है, नियरली, मतलब मैं कहूंगा फ्लैगशिप लेवल का होगा 92% और नॉर्मल मिड रेंज के होंगे 91%, एंड दैट रियली डज नॉट मेक टू मच ऑफ डिफरेंस। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, फ्रंट एंड बैक ग्लास आजकल प्रीमियम माना जाता है, जो फ्लैगशिप में भी आता है, और आजकल 20,000, 15 से 20,000 के बहुत सारे फोन्स हैं जिसमें वो आता है। इनफैक्ट 10, 12 हजार के फोन्स में भी ग्लास बैक मिलता है आपको। सो स्ट्रक्चरली अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मिड रेंज और फ्लैगशिप में। डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है ज़्यादा डिफरेंस है मिड रेंज और फ्लैगशिप लेवल के फोन्स में। दोस्तों डिस्प्ले के बारे में मैं एक बात करना चाहता हूँ। जब तक एमोलेड है, हाई रिफ्रेश रेट है, जो मिड रेंज के फोन्स में भी मिलता है और फ्लैगशिप में भी मिलता है, जी हाँ, लेकिन आपको अगर 2K स्क्रीन, 4K स्क्रीन, मतलब QHD प्लस स्क्रीन वगैरह चाहिए होगी, तो ऑब्वियसली फ्लैगशिप में ही मिलेगा। 20,000 के, 15 से 20,000 के जो मिड रेंज के फोन्स होते हैं, उसमें आपको QHD डिस्प्ले, 2K डिस्प्ले, 4K डिस्प्ले नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है इन अ स्मार्टफोन यू डोंट नीड अ 2K डिस्प्ले। FHD प्लस विद एमोलेड विद प्रोबेबली 90 हर्ट्स इज अ आइडियल रेशियो, और वो आजकल 20,000 के फोन्स में मिलता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जहां पे मैं कहूंगा डिफरेंस है, लेकिन क्या इतना डिफरेंस है कि आपने एक मिड रेंज छोड़ के फ्लैगशिप लेवल पे जाना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 या 3 साल पहले की बात करता था तो येस, देर वॉज लॉट ऑफ डिफरेंस। 800 सीरीज, क्वालकॉम के बारे में बात कर रहा हूँ, 800 सीरीज एंड 600 सीरीज। लेकिन आजकल के जो मिड रेंज के फोन्स हैं, वो आपको लिटरली 730G, जिनका स्कोर 2-2.5 लाख अंतुतु पे आता है, दे आर 99% ऑफ द टाइम्स दे आर इनफ। इवन गेमिंग के लिए आपको 730G या 720G ये जो प्रोसेसर्स हैं बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, अगर आप सीरियसली हैवी गेमिंग करते हो, आप प्रोफेशनल गेमर हो, या फिर सही में बहुत ज़्यादा वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो, तो मैं कहूँगा फ्लैगशिप शुड बी योर चॉइस। बट 99% ऑफ द टाइम्स जो भी कंज्यूमर्स हैं, ज़रूरत नहीं है फ्लैगशिप लेने की। जी हाँ, ले लीजिए 20,000 के नीचे के फ़ोन्स, यू विल बी हैप्पी। दोस्तों डिस्प्ले हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, बात करते हैं OS की। यू नो जनरली OS को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, लेकिन जब आप फ़ोन आपका इस्तेमाल करते हो, सबसे ज़्यादा अगर इंटरेक्ट करते हो तो OS के साथ करते हो। और मैं एक बात बोलता हूँ आपको, फ्लैगशिप फोन्स जो होते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, फॉर एग्जांपल आप OnePlus के बारे में बात कीजिए या फिर iPhones के बारे में बात कीजिए, iOS, Oxygen UI, ये क्लटर फ्री होते हैं जनरली, दे डू नॉट हैव यू नो ब्लोटवेयर नहीं होता है, एड्स वगैरह नहीं होते हैं।
बट आई कांट से द सेम थिंग अबाउट मिड रेंज स्मार्टफोन्स. जी हाँ, क्योंकि ये एग्रेसिवली प्राइज्ड होते हैं और मैंने जैसे कहा प्रोसेसर्स और आप इवन 6GB 8GB रैम के फोन्स मिलते हैं आपको UFS 2.1, सो परफॉर्मेंस के मामले में अच्छे होते हैं, बट देर आर सर्टन कॉम्प्रोमाइज और जनरली ये कॉम्प्रोमाइज होता है UI या फिर OS में, जहाँ पे आपको एड्स दिखते हैं, बहुत सारे ब्लोटवेयर्स वगैरह होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से भी कंपनीज को पैसे मिलते हैं. तो मिड रेंज में आप वो देखोगे, बट दिस इज वेयर फ्लैगशिप एक्सेल. जी हाँ, अगर आपको एक क्लटर फ्री एक्सपीरियंस चाहिए, जनरली मैं कहूंगा फ्लैगशिप्स विल बी बेटर. बात करते हैं कैमरा की, एंड कैमरा इज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मेरे हिसाब से. परफॉर्मेंस हमारे, हम जब देखते हैं कोई स्मार्टफोन को तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस को देते हैं और उसके बाद शायद स्पेसिफिकेशंस, बट मोस्टली इट इज कैमरा. कैमरा इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं कहूंगा कि इधर इट डिपेंड्स रियली आप क्या करते हो. अगेन वही होता है, 90% ऑफ द टाइम्स मिड रेंज के जो फोन्स होते हैं उनके जो कैमराज होते हैं सही में अच्छे होते हैं. अगेन अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, आपको बहुत अच्छा लगता है फोटोग्राफी वगैरह करना, तो मैं कहूँगा आप फ्लैगशिप ले लीजिए. लेकिन इफ यू आर जस्ट एंथुसियास्ट, मतलब आप एक नॉर्मल कंज्यूमर हो जहाँ पे बहुत सारे सेल्फीज निकालते हो, बाहर गैदरिंग में जाते हो तो फोटोज निकालते हो, मैं कहूंगा मिड रेंज में बहुत अच्छे कैमराज आ गए. आप देखिए 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमराज आ गए हैं एंड अल्ट्रा वाइड भी मिलता है, बोके भी मिलता है, मैक्रो भी मिलता है, सभी कुछ मिलता है आपको मिड रेंज के स्मार्टफोन्स में भी एज फार एज कैमराज गो. लेकिन यस, आई विल से वन थिंग कि आप एक वीडियोग्राफर हो, फोटोग्राफर हो और बहुत सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हो, प्रोफेशनल या फिर अमेच्योर लेवल पे भी आपको बहुत अच्छा लगता है, देन येस आई विल से फ्लैगशिप, क्योंकि उनकी जो ट्यूनिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है. आप अगेन वन प्लस के बारे में देख लीजिए, या फिर सैमसंग के आप एस सीरीज़, नोट सीरीज़ देख लीजिए, या फिर आईफोन देख लीजिए, आईफोन जो भी होते हैं इनके कैमराज बहुत अच्छे होते हैं, या फिर आप इवन पिक्सल के फ़ोन्स देख लीजिए. जी हाँ, इनमें बहुत ज़्यादा काम जाता है, जो एल्गोरिदम्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो आपको फोटोज़ मिलते हैं थोड़े अच्छे मिलते हैं. But again, like I have said, mid-range smartphones do not click bad photos. मतलब 90% of the times you will like it. तो आपको ये decide करना है कि आप किस type का कैमरा पसंद करोगे. And 20,000 वाले smartphones या फिर mid-range के smartphones, most of the time they are enough. दोस्तों आजकल नया trend आ गया है charging tech, fast charging technology का. जी हाँ, बैटरीज अगर आप देखोगे, बैटरी साइजेस तो मिड रेंज में भी आपको 4,000, 4,500 mAh के मिलते हैं. आप फ्लैगशिप लेवल के देखो, उनमें भी मिलते हैं. डिफरेंस आता है फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी में. अगर आप फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स देखोगे तो उसमें 40 वैट, 45 वैट, 55 वैट, 65 वैट ऐसे चार्जिंग टेक्नोलॉजीज आपको मिलते हैं. वेर इज मिड रेंज में देखोगे तो जनरली यू विल गेट अप टू 30 वॉट. जी हाँ, 27 वॉट, 18 वॉट, 30 वॉट. रियलमी के फ़ोन्स में 30 वॉट मिलता है, शाओमी के फ़ोन्स में अराउंड 27 वॉट मिलता है, वो भी 20-25 हज़ार के फ़ोन्स में. बट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिड रेंज में भी आ गई है. और मैं कहूँ, देखिए, जहाँ पे आपको फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स आधे घंटे में चार्ज हो जाएंगे, ये एक घंटे में हो जाएंगे मिड रेंज स्मार्टफोन्स में. तो इट अगेन डिपेंड्स ऑन यू, बट अगेन देयर आई डू नॉट थिंक इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग दैट डबल अमाउंट. जी हाँ, मतलब 20,000 का फ़ोन और 40,000 का फ़ोन कंपेयर करोगे तो क्या इज इट वर्थ स्पेंडिंग 20,000 जस्ट फॉर दैट लिटिल हाफ एन आवर दैट यू सेव एवरी टाइम? द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क. लेकिन दोस्तों एक जगह पे जहाँ पे फ्लैगशिप एक्सेल करता है, एंड मुझे लगता है बहुत सारे लोग सिर्फ इसी की वजह से फ्लैगशिप के फोन्स लेते हैं, एंड दैट इज ब्रांड वैल्यू. जब आप आईफोन कैरी करते हो, जब आप सैमसंग का नोट 10, नोट 20 ये फ्लैगशिप लेवल के फोन्स कैरी करते हो, जब आप वन प्लस कैरी करते हो, उसकी जो ब्रांड वैल्यू होती है, दैट इज वेयर फ्लैगशिप एक्सेल्स. अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देन आई थिंक ऑल दीज थिंग्स, बाकी की सब चीजें, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, टेक अ बैक स्टेज. जी हाँ, वो नहीं होता है, ब्रांड है, मैं कैरी कर रहा हूं, लोग देख रहे हैं मेरे पास, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उस टाइम पे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो फ्लैगशिप आप जरूर ले सकते हो. उसके लिए 20,000 क्या, 50,000 क्या, 1,00,000 भी कम है. सो प्राइस डज नॉट मैटर when it is question of brand value. तो essentially दोस्तों, हाँ, और एक चीज़ मुझे कहनी थी. याद रखिए, जब आप फ्लैगशिप लेते हो, जब आप 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये खर्चा करते हो, 2-3 महीनों के बाद उसकी प्राइस, इट कम्स डाउन लाइक क्रेजी. जी हाँ, इमीजिएटली कम हो जाती है,
वो सेम नहीं होता है मिड रेंज का। मिड रेंज का फ़ोन समझिए, आपने एक 15,000 का फ़ोन ले लिया, 6 महीने के बाद आप आराम से उसकी 8-9-10 हज़ार में आप रीसेल में उसे बेच सकते हो, 1 साल के बाद 7-8 हज़ार में बेच सकते हो। लेकिन 60,000 का फ़ोन जब आप 6 महीने के बाद बेचने को जाओगे तो यू विल नॉट गेट मोर देन प्रॉब्ली 20-25,000। इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन है बहुत ज़्यादा होता है फ्लैगशिप फ़ोन का, इतना ज़रूर याद रखिए। तो फाइनली मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों, एक बात कहता हूँ, ब्रांड वैल्यू सुपर सीड्स एवरीथिंग। इसका मतलब सबसे ऊपर ब्रांड वैल्यू है और ब्रांड वैल्यू के आगे कुछ नहीं है। तो अगर वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए तो हमेशा मतलब कभी भी आप फ्लैगशिप के लिए जाइए। बट फॉर एवरीथिंग एल्स, अगर आपको सही में बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारे फोटोज़ वगैरह निकालने हैं नॉर्मल कंज्यूमर के जैसे, मिड रेंज फोन्स आर इनफ। वैसे मैंने एक वीडियो किया हुआ है जहाँ पे मैंने एक्चुअल में आपको एक चेकलिस्ट बनाने को बोली हुई है कि जब आप स्मार्टफोन बाय करते हो तो ये चेकलिस्ट बनाइए, ताकि आप कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। यू विल बाय, ऑलवेज बाय अ परफेक्ट स्मार्टफोन। ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। वैसे दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, डू यू अग्री विथ मी, यू नो, ये जो फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स हैं ज़रूरत नहीं है लोगों को बाय करने की, अनलेस ब्रांड वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, यही बताना था आपको इस वीडियो में। अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, एंड यस, डोंट वेस्ट योर मनी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।